गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मीन्स नेचुरल थिंग्स, हमारी बॉडी के हमारे आसपास जो भी हो रही है उनके बारे में मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, जो भी थिंग्स वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह, हाउ दे आर मेड अप ऑफ, वो कैसे बनी है, उन सबको मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। उन थिंग्स के अंदर क्या है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं दैट कंस्ट्रक्ट द फुल ऑब्जेक्ट और कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड दीज एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर और ऑब्जेक्ट। उस मैटर और ऑब्जेक्ट का क्या है, वो एक कंस्ट्रक्टिंग एलिमेंट है जो उस फुल बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है या उस ऑब्जेक्ट को बनाता है। ओके, तो दिस एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर हियर। तो टू टाइप्स के पार्टिकल्स हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज, एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम एंड दीज आर नोन एज प्रोटोन्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोन्स। क्या बोला उनको, वो है आपके प्रोटोन्स। एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं वो, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको, बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स। एंड वन मोर पार्टिकल इज फाउंड इन द एटम दैट इज प्रेजेंट अलोंग विद द प्रोटॉन्स इज नोन एज न्यूट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको, न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन जो है दैट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एन एटम हैज अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। कोई भी एटम है, सपोज इट इज द एटम, ये कोई एटम है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दीज टू आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स, कंबाइंडली क्या बोलते थे इनको, न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम चार्जेस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, कुछ चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है आपके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो उस न्यूक्लियस के सराउंड मूव करते हैं। ओके, देन सम चार्जेस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ मैनर सिमिलर टू द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जिस तरीके से प्लैनेट्स के जो होंगे वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। देन दस वी कैन से द पॉजिटिवली चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। कोई भी एटम जो है उसके सेंटर पे क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कलेक्ट हो रहा है या कंसिस्ट हो रहा है। आई बस में इसका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ऑल आर कलेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में ही है, तो उसका जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है दैट ऑलवेज कलेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ एनी न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी पार्टी जो एटम है उसके न्यूक्लियस में उसका पॉजिटिवली चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चारों तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आपके दिया क्या हो, देखो कि दस वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम व्हाइल द नेगेटिवली चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज द थिंग इज दैट, क्या बोला उसने, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें
तो इट इज न्यूट्रल. व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन. मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. नंबर में कैसे कि प्रोटोन जितने होंगे उतने ही क्या होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं. दैट्स वाई इट इज द एटम दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वो क्या है उसका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है. ठीक है, आगे देखिए. इफ द नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन एटम इज सेड टू हैव द पॉजिटिव चार्ज इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ प्रोटोन. क्या बोला उसने? उसने ये बोला कि वेन एवर द एटम अक्वायर पॉजिटिव चार्ज. अगर मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम के ऊपर सपोज इट इज द एटम ऑफ सोडियम. सोडियम का एक एटम है. वेन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है? वेन एवर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर ग्रेटर इन द नंबर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में अगर प्रोटोन का नंबर ज्यादा है, उस कंडीशन में द एटम अक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज. कैसे? मैं बता दूं आपको. इन ईच ऑफ द सोडियम वी हैव 281 इलेक्ट्रॉन. 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. प्रोटॉन्स आर आल्सो 11 प्रोटॉन. 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन. इन दिस कंडीशन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल. ठीक है, बट इन दिस कंडीशन वॉट वी हैव टू डू, दिस सोडियम हैज टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन टू गेटिंग द टू गेन द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये आउटसाइड जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा. इसको रिलीज करना पड़ेगा. इसको इसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. इसको रिलीज किया, वन इलेक्ट्रॉन इज लेस. इन दिस कंडीशन 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 11 प्रोटॉन्स आ गया. आई बात समझ में? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कितने हैं? 11 थे, और पहले भी इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन पहले से कितने थे? 11 थे, और अब भी कितने हैं? 11. तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दीज आर लेस देन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इसलिए कोई भी एटम जो होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लोग सीएल की देखें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन ऑलवेज अक्वायर द नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव क्यों आया है? बिकॉज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू द प्रोटॉन. आई बात समझ में? यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है? प्रोटॉन से ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट गेन्स अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, आई बात समझ में? देयर आफ्टर देखिए आप लोग क्या है चार्ज बॉडीज. देखो चार्ज बॉडीज क्या है. अ मटीरियल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये देखा है कि यहां पर ये दोनों देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दीज आर द चार्ज बॉडीज. क्या है ये? चार्ज बॉडीज. क्या है ये? चार्ज बॉडीज है. तो द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर क्लोजली हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. क्या बोला उसने? प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर है. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मूव दीज आउट. इनको बाहर निकालना क्या है? डिफिकल्ट होता है. द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मे बी लूजली हेल्ड बाई द न्यूक्लियस बिकॉज द अट्रैक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच लो. तो अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है आउटर साइड का जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस और आउटर साइड जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज वेरी मच लेस. तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजिली लेस, इलेक्ट्रॉन बाहर से वो इजिली निकाल देते हैं. आगे देखो, एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. आई बात समझ में? बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो? दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है. देन द ऑब्जेक्ट ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज. क्या बोला मैंने अभी आपको? बोला था कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट ऑलवेज गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन विच ऑलवेज अक्वायर द नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा. ठीक है, आगे देखो. इट थस बिकम द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मे बी कॉज्ड बाय रबिंग टू मटीरियल टूगेदर. क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कैसे होता है चार्जेस का ट्रांसफर? कैसे होता है? बाय रबिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और टू आर्टिकल्स. आपस में क्या करते हैं हम लोग? उनको रगड़ते हैं तो भी क्या हो सकता है? चार्जेस क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
व्हेन एन एबोनाइट रोड इज रब्ड विद फर, फर मतलब एक कपड़े से, अगर मान लो फर का मतलब होता है बालों वाले कपड़े से या वेलवेट क्लोथ से हम लोग इस एबोनाइट की छड़ को, रोड को हम लोग रगड़ते हैं तो इट गेट्स चार्ज, ये क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। क्या बोला उसने, विद सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फर इज ट्रांसफर्ड टू द एबोनाइट रोड। क्या बोला उसने, फर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ट्रांसफर हो गए, एबोनाइट रोड की तरफ। द एबोनाइट रोड दस गेट्स नेगेटिवली चार्ज, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर टू द एबोनाइट रोड, व्हाइल द फर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग बाई रबिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होगा, फर जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफर हुए कहाँ पर, एबोनाइट रोड पर। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो हम लोगों ने देखा होगा छोटी क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, स्केल जो है प्लास्टिक स्केल जो है उसको हमारी हेयर के ड्राई हेयर्स के अंदर हम लोग रब करते हैं और हम लोग क्या करते हैं मिट्टी के ऊपर या फिर कोई पेपर के टुकड़ों के ऊपर हम लोग उसको लेकर जाते हैं तो इट गेट्स अट्रैक्टेड, वो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ड्राई हेयर्स थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, उस स्केल के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो हेयर्स गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द स्केल गेट्स नेगेटिवली चार्ज, उसने एक्सेप्ट किया ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर क्या होगा, बाय रबिंग क्या हुआ, बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस क्या क्या, दस रबिंग से जो चार्जेस आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक चार्जेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ सकते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, चार्जेस मे बी लाइक और अनलाइक। चार्जेस कैसे हो सकते हैं बेटा, लाइक और अनलाइक चार्जेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है छोटी क्लासेस में भी, लाइक चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स हैव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस तो दीज आर द लाइक चार्जेस, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी लाइक चार्जेस है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, ये अनलाइक चार्जेस है। तो द प्रॉपर्टी इज व्हाट, क्या कंडीशन है इसकी, प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर लाइक द मैग्नेट, क्या बोला मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है मैग्नेट के दैट ऑलवेज रिपेल ईच अदर, आई बात समझ में, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड द अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या है कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो। ठीक है, कैसे हम लोग चेक कैसे करेंगे, वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट, किसी बॉडी को चार्ज है या नहीं है उसको हम लोग कैसे चेकअप करेंगे, टू टेस्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट ब्रिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट इफ द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द चार्ज बॉडी। क्या बोला हम लोगों ने, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, उन्होंने मुझे पता करना है कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज है कौन सा अनचार्ज है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेकअप कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज है, ठीक है, अब मुझे पता करना है क्या दो बॉडीज के कैसे चार्ज है, तो इस चार्ज बॉडी को मैं उस बॉडी के पास लेकर जाता हूं, अगर वो रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है तो इट इज चार्ज। सीधी सी बात है कि अगर वो अट्रैक्शन कर गेन कर रहा है या फिर रिपेल रिपल्शन गेन कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये चार्ज है, अगर रिपल्शन गेन कर रहा है तो वेट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हेनेवर इट गेट अट्रैक्टेड तो हम लोग ये जान लेंगे कि दीज चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो ये हमको देखना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसने दिया है कि चार्ज बॉडी का जो स्टेटमेंट है इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर एक बकेट जो एक ग्लास का जार बना हुआ है, इस जार के अंदर क्या है, दो कॉपर रोड लटकाई हुई है, एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगाई हुई है, उस एल्युमिनियम स्ट्रिप के क्या होगा, उन एल्युमिनियम स्ट्रिप्स को एक कॉपर वायर के थ्रू बाहर की तरफ निकाला जाता है उस इलेक्ट्रोड। क्या बोला उसने, देखो प्लास्टिक रूलर ले लिया, एक रूलर जानते हैं स्केल, एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप बनाया उसने, क्या दिया है कि
ऐसे जार बना दिया। जार कैसे बता दूं आपको मैं, इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए उसने एक जार लिया, एक ऐसे जार ले लिया, इस जार को उसने क्या किया कवर कर दिया किसी कार्डबोर्ड से, और इसके अंदर उसने क्या किया एक कॉपर वायर के थ्रू इसके ऊपर क्या किया उसने ऐसे दो रोड उसने अंदर की तरफ लटका दी। क्या कर दिया उसने, दो रोड लटका दी किसकी, एल्यूमिनियम स्ट्रिप की। ठीक है, यहां पर क्या कॉपर वायर, ये क्या है आपका कॉपर वायर और ये आपकी क्या है एल्यूमिनियम स्ट्रिप। ठीक है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप से अब देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया एल्यूमिनियम स्ट्रिप बना दिया, इलेक्ट्रोस्कोप रेडी हो गया। अब उसने क्या किया कि एक प्लास्टिक का रूलर स्केल लिया, देन टेक अ प्लास्टिक रूलर एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पास में मैं स्केल को लेकर गया, स्केल हमारी ये रही, इस स्केल को इसके पास लेकर गया मैं, तो उसने क्या देखा कि लुक एट द एल्यूमिनियम स्ट्रिप, इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप की तरह देखेंगे हम लोग, यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी मूवमेंट इन देम, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट हम लोगों ने नहीं देखी। ठीक है, नाउ रब द प्लास्टिक रूलर ऑन योर ड्राई हेयर्स, ड्राई हेयर्स के ऊपर उस प्लास्टिक रबर को, प्लास्टिक स्केल को मैंने क्या किया रगड़ दिया, देन अगेन ब्रिंग इट क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्कोप, फिर से हम लोग इसके पास लेकर जाते हैं, तो क्या होगा, दिस टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स मूव्स अवे फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से दूर चली गई स्ट्रिप, क्या होगी एक दूसरे के दूर चली गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वैन यू क्या पहले के दूर क्यों गई, वैन यू रब द रूलर अगेंस्ट द ड्राई हेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हेयर्स टू द स्केल। ये मैंने आपको पहले बताया कि बालों से इलेक्ट्रॉन्स कहां गए बेटा स्केल में, तो इट गेट्स चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे स्केल में, तो इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज, व्हेन द नेगेटिव चार्ज रूलर इज मूव्ड क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्कोप इट रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या किया इस इलेक्ट्रोस्कोप की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन थे उनको रिपेल कर दिया, क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, देन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप दस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स को उसने यहां से यहां स्केल के ऊपर क्या है स्केल ने इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये नेगेटिवली चार्ज है और यहां पर भी नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहां से हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, लाइक चार्जेस बनेंगे और लाइक चार्जेस बन रहे इसलिए वहां पर क्या होगा रिपल्शन भी होगा। ठीक है, आगे देखिए, दस द बोथ द क्या बोला उसने दस बोथ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप बिकम नेगेटिवली चार्ज, दोनों क्या होंगी रिपेल होंगे एक दूसरे के साथ, द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड फ्रॉम द सर्फेस थ्रू द कॉपर वायर टुवर्ड्स द एल्यूमिनियम। अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नीचे आया, यहां से नेगेटिव चार्ज बना हुआ कॉपर वायर में आएगा पूरे में, आई बात समझ में, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या हुआ दस बोथ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप बिकम्स नेगेटिव चार्ज, अब इससे अटैच हुई नहीं है, इससे अटैच हुई तो ये भी नेगेटिव चार्ज में बन गई, ये नेगेटिव चार्ज हुई दोनों में तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा रिपल्शन होगा। देन व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द इलेक्ट्रोस्कोप, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर आएंगे तो यहां पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, वी हैव स्टार्टेड इट येट एंड नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।